वो भी पबजी वाला प्यार यार, ऑनलाइन वाला प्यार कम आता ऐसे बताओ। वेलकम टू माय चैनल विद न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30। अभी जस्ट बाबू गई हमारी मैडम जी जो है नीचे गई है, बेबीज को ले गई है नीचे। तो आजकल यार ये स्वाइन फ्लू ना आजकल इतना चल रहा है कि बच्चे बच्चे बच्चों को बड़ों से, बड़ों को बच्चों से आपस में जो है ना दूरी जो है बना के रखनी पड़ रही है। तो पता है एक टाइम ऐसा आया था कि उस टाइम में ना मतलब कोरोना के टाइम में भी अक्सर ये होता था कि आपस में दूरी रखनी पड़ती थी सबको, बच्चों को बड़ों को। तो 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, मास्क के बिना कोई काम नहीं होता था घर में हॉस्पिटल में, यानी कि रिलेटिव रिलेटिव के यहाँ आने जाने तक को जो है एक तरह से तरस गया था। उस टाइम इतना भयंकर जो है भीषण काल आया था, वो बहुत बेकार समय था वो वाला। तो वही चीज़ यार स्वाइन फ्लू आजकल इतना ज़्यादा फैल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ रही है। और ऐसे में बाबू को अभी थोड़ा फीवर की दिक्कत हो गई, इसको भी मैं जस्ट जो है दवाई वगैरह देने आई दे करके आई हूँ। मेरे जो है लेफ़्ट साइड ये जो डाढ़ है इसमें तो पेन हो रहा है, तो मैं भी इसकी दवाई ले ली हूँ। एक और है जो लगाने की है तो वो लगानी है बस वो। वाई गॉड, वास्तव में यार सच में इतनी सूटेबल, इतनी अच्छी वाली हवा चल रही है यार, पर्दा ले रहा है। आप लोग आइडिया लगा सकते हो किस तरीके की हवा चल रही है यहाँ पे। नीचे का मौसम बहुत बहुत सुहावना हो रहा है, इसको बोलते हैं मौसम। ऐसे मौसम में मन करता है कहीं आने का, जाने का, घूमने का, फिरने का। बारिश का सा हो रहा है तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े वगैरह बाबू की गुदड़ी थी ना यहाँ पर डाल दिए हैं, दोनों गुदड़ियाँ। और ये जो ब्लाउज स्टिच कर रही थी ना मैं, ये भी बस थोड़ा सा रह गया है, इसकी पाइपिंग वगैरह अटैच करनी है, बाजू वगैरह अटैच करनी है। तो ये कपड़ा इतना यार सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, रद्द दिए कपड़ा एकदम से। तो मेरे पास में डिमांड आई थी इसको सिलने के लिए, फिर मैंने बोला भी था कि ना भाभी का ब्लाउज है, वैसे मेरे को भाभी यार एक कपड़ा बेकार है। तो और उन्होंने बोला चलो सिल दो, तो मैंने कहा चलो सिल देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा जितना चल जाएगा। तो मैंने इसलिए सिल दिया है। पर्दा हमारा ही हमारा सारे है कि ऐसे ही रहते हैं, मेरे से जानी दोस्त में। इसको मैंने यार ना गांठ लगा दिया है, तो पता है क्यों? ये खुला रहता है ना, ये उड़ता है, उड़ के सीधे ये जो है ना तार है ना तार, ये देखो ये वाले ये लोहे के जो तार है ना वायर्स, इसमें अटक जाता था सारा पर्दा जो है, खिंचा खिंचा हो गया, बहुत ज़्यादा बेकार वाला हो गया है यहाँ पे। इसलिए मैंने इसको टक कर दिया है अच्छे से। देखो हल्की हल्की सी छींटे से आए थे, बूंदा बांदी सी, तो थोड़ा सा भीग गया है। मौसम वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है यार, कि चलो जाके कहीं घूमाते, बस घूमने जाएँ किसके साथ यार। हो रहा है वैसे घूमने लाए सच्ची, बहुत सुंदर वाला हो रहा, मज़ेदार वाला मौसम। चलो कोई नहीं, कभी और जब भी चक्कर लगता है तब देखेंगे। अभी आ गए हम अंदर, एंट्री कर लिया है हमने अंदर। बाबू के बिस्तरों का पता क्या हो रहा था, मैं कितना भी समेट लूँ फिर भी मुझे ना चिमटा हुआ ही ऐसा ही मिलेगा ये बिस्तर इसका। देखो कितना भी चौड़ा कर लेती हूँ कोई ना कोई चीज़ मुझे फैली हुई हमेशा मिलती है। छोटे छोटे कपड़ों को पीछे टांग दिया है हमेशा की तरह, जैसे अक्सर जाएँ और फैली हुई चीज़ों को, किताब वगैरह उनको रख देती हूँ उनको अपनी जगह पर। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठेंगे रेस्ट करेंगे, इतनी देर में शायद हो सकता है बाबू भी आ जाए अंदर। और जैसे मैं कुछ करने बैठूंगी ना वैसे ही वो फिर एंट्री करेगी। आवाज लग रही है देखो बेबी की दादी को, बट बेबी अब सुनिए अब जाएगी। देखो बेल से शायद आपको नहीं दिखेगा ढंग से यहाँ पे, ये देखो गई शायद बेबी, उसको आवाज़ लगा रही थी इसकी दादी माँ, तो वहाँ पे वो गई है अभी। थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी ना मैं इसको चलो सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे बैठ करके। तो गाइस मैं ना एक बात और कह रही थी यार, आजकल ना इतने अपडेट्स, इतने न्यू मतलब अजीब तरीके की खबरें आ रही हैं मीडिया वाले जो हैं। ये मीडिया होता है ना मीडिया, ये मीडिया और कोर्ट कचहरी हुआ, इनके हाथ में कोई इतना सा भी पॉइंट मिल जाए ना फिर तो ये मान लो कि वाट लग जाती है, खासकर मीडिया पे। तो आजकल हमारी जो राजस्थान की ऐसी ऐसी हसीना है ना जो कि मतलब धूम मचा रही है, कोई भारत से पाकिस्तान आ रही तो कोई पाकिस्तान से भारत आ रही है भाई। इनको ये मान लो कि बिल्कुल भी इनके अंदर से जो डर रहता है ना वो बिल्कुल निकल गया है लगता है। आजकल की जो औरतें हैं उनके दिल और दिमाग से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय नारी भी दिले हो सकती है।
हो सकती है, नहीं है यार आजकल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले SDM के ऊपर कितने सारे आपको पता है अपडेट्स होते थे डेली के, न्यू 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 न्यू, फिर उसके बाद में थम गया वो मैटर। उसके बाद में सीमा हैदर भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, देखो कितनी बड़ी बात है अपने प्रेमी के लिए। वो भी पबजी वाला प्यार यार, ऑनलाइन वाला प्यार कमाल है। ऑनलाइन के लिए आजकल लोग अपना देश छोड़ के, अपना पूरा मुल्क छोड़ करके दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं, साथ में धर्म भी बदल रहे हैं। क्या बात है यार, ये होता है प्यार? आपको लगता है ये है? खैर कोई नहीं। इसके बाद में तीसरी आती है हमारी एक और अलवर की हीरोइन अंजू। वारे इसने तो यार रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रहा अलवर, अपने बगल में ही है, पास में ही है, इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पाकिस्तान गई, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा तो ये पाकिस्तान से सीधी गई भारत। यार कमाल की बात, ये देखो पति को छोड़ा, फिर कोई नहीं, पति के साथ साथ में अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है। एक चार बच्चों को लेके आ रही है तो एक दो बच्चों को छोड़ के ही चले गई। बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं, चलो वो तो इतना था कि बच्चों को साथ में गई, और ये तो भाई साहब बच्चों को ही छोड़ गई। खैर पता नहीं किसके साथ में क्या हो रहा है, किसकी क्या सोच है, उनकी कोई पर्सनल लाइफ है, कोई पर्सनल सोच है उनकी भी, क्यों आ रही हैं क्यों जा रही हैं, क्या पता क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में। बट हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी महिलाएँ दिलेर हैं। और कौन बोलता है कि बताओ कि महिलाएं ऐसा मतलब डर के मतलब डरपोक होती हैं, ऐसा कुछ कर नहीं सकती। तो आज ही महिलाओं ने साबित कर दिया है कि ऐसी भी महिला है आज की दुनिया में। खैर वो उनकी निजी लाइफ है, बट आजकल इतने इतने ऐसी ऐसी खबरें आती है ना कि यार सोचने पे मतलब मजबूर कर देती है। चलो वो उनकी लाइफ है, वो क्या करती हैं इसमें हम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा अपडेट हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि यार शेयर कर लेती हूँ आपके साथ में। और अभी हम करेंगे हमारा काम यहाँ पे, इसकी पाइप नहीं उधेड़नी है मुझे थोड़ी सी यहाँ पे, ये देखो इतनी उधेड़ ली है मैंने, आगे पेज से कट कर लेती हूँ यहाँ पे। ओ आ गया, ये देखो बिस्कुट ले आया, ये देखो इसको क्या लेके आए आप? ओ बिस्कुट, पता है ये पैसे लेके गया था, पैसों से बिस्कुट लेके आया। मेरे को खिलाओगे नहीं खिलाओगे ये बताओ? कभी तो वही इसके मन में आती है ना, ऐसे उठा लाती दादा से, फिर मैं इसको पैसे दे के भेजती हूँ कभी तो। अभी देखो इस बिस्कुट, बाबू ऐसे नहीं खोलते, टूट जाएगा। मैं खोलूँ? लाओ मैं खोलूँ बेटा, टूट जाएगा ये, लाओ मैं खोलती हूँ ना, आप पे नहीं खोलता ये, लो खा लेना। देखो टूट गया ना, लो खाओ, कटोरी लेके आओ। देखो तोड़ दिया इसने, लो निकालो ये वाला, निकालो अब खा लो आप, खा लो। वाह वारिस आ गई अभी, देखो बाबू अंदर बैठ जाओ, मैं आती हूँ अभी। बड़े मम्मी के कपड़े पड़े होंगे नीचे, देखो मैंने बोला था ना कपड़े पड़े, ये पड़े उतार लेते हैं इनको, भीग जाएंगे फॉर्म का। कपड़ों को तो मैं रखा ही हूँ अंदर, आराम से सूखते रहेंगे। आज सुबह से मौसम वैसे ना ऐसा ही हो रहा है, लग रहा था बारिश होने का, अच्छा हुआ यार आगे तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बाबू नीचे क्यों फैला रहे हो यार आप इनको, पैरों में मत फैलाओ, लो बर्तन में रखो, फैला फैला के नहीं खाते बेटा, इसमें रख लो आप, अभी सारे ना सील जाएंगे तो निकाल तो रहिए इनको। ना मैं निकाल, इनको खा लो पहले, ये भगवान ही तो कचूमर कर देगी, देख तोड़ तोड़ के कैसे रख दिए। बैठने का स्टाइल देखो इसका, बहुत अच्छे बच्चे, वाह वाह वाह। टिप टिप बरसा पानी, बेचारा आदमी भीग रहा है, वैसे इसको मजे आए होंगे, साथ में इसको गुस्सा आया होगा, क्योंकि इसके हाथ में सामान भीग जाएगा। भाई बेचारे अंकल जी भीगते हुए जा रहे हैं, देखो हाथ में सामान है वो भी भीगता हुआ जा रहा है। शेट, थोड़ा सा आप ब्लॉग का मज़ा लीजिए, हम बारिश का मज़ा लेते हैं, ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंडिंग। हमारे बाबू कहते हैं कि VIP चश्मा इसको लगा के रहती, पता है कैसे लगाती, उल्टा ऐसे लगाती हो बाबू, हाथ नहीं भीग जाएगा, मैंने दवाई दी ना अभी आपको, ऐसे लगाती है ये ऐसे
ऐसे बताओ तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग? अच्छा लगे लाइक करना, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला। बाय बाय।